जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापति और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर एम आर। ओके, डबल ए हो गया आपका, एस एस आर हो गया और एम आर तीन। और मेडिकल में जिनके डाउट थे वो क्लियर भी हुए हैं, उनके पॉइंट भी क्लियर हुए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं पहले उनके और कमेंट भी देख सकते हैं दोस्तों। ओके, और उसके बाद में बात करें यहाँ पर आपके जो भी डाउट होते हैं, शायद किसी भी कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम हो और वो स्थान हो जहाँ पर दुर्गम स्थान हो जहाँ तक उसको पास सुविधा ना हो, तो जो भी पॉइंट क्लियर होने योग्य होते हैं, हेल्पफुल होती है, घरेलू उपचार से भी सही हो सकते हैं, तो वो आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस के माध्यम से। तो वो यही बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले होता है आपका रनिंग दोस्तों। जब आपका पीएफटी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा से बता दिए जाएंगे। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है डॉक्यूमेंट का, वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। डुप्लीकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना कोई किसी की फोटो कॉपी चलेगी, जो ओरिजिनल मांगा गया है तो ओरिजिनल ही चलेगा। ओके, उसके बाद में बात आती है दोस्तों, यहाँ पे आपका रनिंग होगा। अब रनिंग के अंदर आपके पास बहुत काफ़ी समय है दोस्तों, 7 मिनट कम समय नहीं है, 1600 मीटर, मात्र 1600 मीटर रनिंग होती है और 7 मिनट मिलता है। उधर एक आप दूसरी तरीके से एयरफोर्स में 6.5 मिलता है, आर्मी की तो कहना ही क्या है। तो आप देख सकते हैं 1600 मीटर में 7 मिनट का समय मिलता है। और जो लॉकडाउन के अंदर बच्चे कह रहे हैं कि कहाँ से तैयारी करें, तो दोस्तों आप अपने घर पर तैयारी कर सकते हैं, यानी जो ग्रामीण इलाकों में जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से सभी सावधानियों का पालन करें, नियमों का पालन करें, किसी अज्ञात वस्तु के और किसी अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में ना आए। ओके, और घर पर अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, यानी जो आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, डेली जो भी प्रैक्टिस करते हैं आप रनिंग के बाद में, वो बहुत करना जरूरी है, वरना कोई काम की नहीं रहेगी रनिंग भी। और जिसके रनिंग करते समय पैर में दर्द होता है नीचे के पार्ट में, या मतलब श्वास फूलता है, या फिर आपका एक साइड पेट में दर्द होता है, या कोई और भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और उसके बाद में दोस्तों बात करें यहाँ पे आपका, तो वो क्या है कि पुशअप, सबसे बड़ा सीन क्या है पुशअप। अब पुशअप के अंदर वहाँ पे आपके सामने क्या होता है कि देखिएगा, जैसे आपको डाउन करवाया जाता है, मैंने आपको वीडियो दिया है, लिंक सभी वीडियो के आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी डाउट रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपके लिए जल्द ही उसके लिए वीडियो भी बन जाएगा। ओके, तो पुशअप में क्या सीन है दोस्तों कि पुशअप में डाउन रखा जाता है, जैसे अप बोला जाता है तो ऊपर आना होता है और डाउन होता है, या विसल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, एक आपको थोड़ा सा इंट्रो के माध्यम से बताया जाता है कि इस तरीके से आपको करना है वहाँ पे। ओके, डेमो दिया जाता है। तो गाइज आपको देखिएगा, रूल का फॉलो करना है सभी, जहाँ पर भी इंडिया के अंदर किसी भी सेंटर पर आपका पीएफटी मेडिकल हो, तो आपको जो भी नियम बताए गए हैं उस नियम का आप पालन करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप अपने आप में स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि
इनमें से जो भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया पुशअप में आपको डाउन रखा जाता है, तो दोस्तों आपके क्या होते हैं हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाएंगे तो मतलब क्या है कि दिक्कत आएगी। यदि उसने आपको देख लिया तो आपको मौका मिल भी सकता है दोबारा से क्लियर करने का, दोबारा से पुशअप लगवाने का, दोबारा से भी पुशअप लग सकती है। आपका 10 पुशअप होता है वैसे, बट आपसे क्या है दोस्तों की 10 की बजाय 15 भी करवाई जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके 10 की 15, और आपको डाउन में रखा जाता है तो 5 से 7 सेकेंड, और आपका 7 से 10 सेकेंड भी डाउन रखा जा सकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके तो इस बात का कंफर्मेशन कर लेना है, पुशअप अच्छी तरीके से सेट करना है, आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर, कोई भी दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद में बात आती है दोस्तों, मैं आपको समय पर इस बार मतलब सचेत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाले जब मेडिकल होगा तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट्स के। आप मेडिकल आने के बाद में क्या कहते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, मेडिकल में भी ये हो नहीं पाएगा, तो अभी से क्या है कि पहले जिसको जो बड़ी समस्या होती है तो उसका सही समय पर ही उसका उपचार करवा लेना चाहिए, मेरा मानना यही है, ताकि आपको उस टाइम कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके उसके बाद में दोस्तों मेडिकल होता है आपका, ओके उठक बैठक भी हो जाती है उसके अंदर, वो आराम से हो जाएगी। उसके बाद में मेडिकल आते हैं, तो मेडिकल के अंदर क्या क्या प्रोसीजर रहती है आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा ताकि किसी भी प्रकार की इसमें पॉइंट है तो आपको हेल्प कर दी जाएगी। ओके सबसे पहले होता है कि आपका हाथों में पसीना आना यानी स्वीट पाम, या फिर आपका जैसे पूरे बॉडी पे पसीना आता है वो अलग पॉइंट है, और हाथों में पसीना आना स्वीट पाम वो अलग चीज़ है। इसका सॉल्यूशन है 100% ये क्लियर हो जाएगा केस यदि है किसी के तो। ओके फिर बात आती है डीएनएस, जो कि आपका नाक का होता है, नाक के अंदर एक हड्डी होती है जो कि बढ़ जाती है। ओके डीएनएस का क्या कि नॉर्मल होने पे तो आपका जो मेडिसिन से हो जाता है, वरना इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। और उसके बाद में बात करें दोस्तों यहाँ पे ईयरवेक्स का पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपको ईयरवेक्स के लिए पहले भी लिखा होता है कि ईयरवेक्स आपको क्लियर करवा के वहाँ से आना है जब आप पीएफटी के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको करना है। ओके फिर दोस्तों यहाँ पे बात आती है आपकी आई विजन की, मैं आपको एक सारणी दिखाने वाला हूँ इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, वो आप देख सकते हैं खुद भी। ओके तो आई विजन के अंदर दोस्तों मुख्यतः बात करूँ तो 6x9 भी चलता है आपका, और 6x12 भी चलता है, इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं है तो मैं इस बात को कन्फर्म नहीं कहूंगा, और ना ही इंडियन नेवी की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है। ओके दोस्तों एक मेरा दोस्त है जिसका आपका आई का विजन है 6x12 है, और उसके ग्लास है, ग्लास अलाउ है, ये पहले आपको मैं बता देता हूँ, ग्लास बिल्कुल अलाउ है नेवी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका 6x12 से ज़्यादा विजन हिसाब से नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों उसके बाद में बात आती है प्राइवेट पार्ट की, अब प्राइवेट पार्ट में जब भी आप चेक होगा जहाँ पर भी जिस भी मेडिकल सेंटर में, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, या तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट जो डॉक्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट जो डॉक्टर होंगे या तो मैम होगी या आपका डॉक्टर होंगे, तो पुरुष होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शंका किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं हर एक, जो भी आपका डिफेंस के अंदर मेडिकल होता है तो वो आपका तो चेक होना नेसेसरी होता है, ताकि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत का सामना कहीं पर भी ना करना पड़े। ओके तो दोस्तों आपका क्या होता है बैक साइड पार्ट है वो चेक किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जैसे पाइल्स बोल सकते हैं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, बवासीर जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो चेक करेंगे आपको एक साथ, जो भी बेंच बनता है आपका 50 का या ज़्यादा, इससे ज़्यादा जितना भी बेंच बनता है उसके हिसाब से चेक करेंगे एक साथ कैंडिडेट्स का। ओके उसके बाद में बात आती है आपका जो कि पेनिस, प्राइवेट पार्ट फ्रंट टाइप का आता है, तो फ्रंट टाइप में आपका पेनिस चेक किया जाता है, पेनिस को बैक भी किया जाएगा और फ्रंट भी किया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने जब मेडिकल किया था 2017 में, तो पूरी प्रोसीजर के साथ मैं गुजरा हुआ हूँ, सब कुछ क्लियर किया हुआ है 2017 में, सब कुछ क्लियर किया हुआ है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, उसकी वजह से क्या है कि हम आपके आउट हो गए फाइनल मेरिट के अंदर। ओके उसके बाद में बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके पेनिस के अलावा यहाँ पे आपके होते हैं हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है, यानी आपके वर्षण चेक किए जाते हैं, ठीक है, वर्षण होते हैं वो चेक किए जाते हैं, इसके अंदर कोई दुराई वाली बात नहीं है, और आपको डरने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जो कैंडिडेट्स कहते हैं उसको खींचा जाता है या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी आपके थोड़े बहुत बड़े छोटे होते हैं। और दोस्तों एक दो कमेंट ऐसा भी आया था मेरे पास कि एक ही गोली है हमारी, दो गोली होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, दो गोली नहीं है तो आप डिफेंस के किसी भी सेक्टर में नहीं जा सकते। ओके ये मैंने देखा है और आपका रूल होता है, ये दोनों गोली होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों दोनों गोलियों के बीच के अंदर क्या है कि आपका जैसे एक छोटी बड़ी हो जाती है, जैसे ऐसे लगी हुई है गोली, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा इतना थोड़ा बहुत अंतर है ना, इतनी दूरी का, यहाँ से लेकर इतनी दूरी का अंतर हो सकता है इतना, लेकिन इतना नहीं है कि ये एक तो इतनी हो और एक इतनी नीचे लटक जाए। ओके तो वो क्या हो जाता है, पानी भर जाता, पानी भरना बोलते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं हाइड्रोसील बोला जाता है उसको, तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है दोस्तों हाइड्रोसील का,
था वो उसके माध्यम से पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके माध्यम से मेरे हिसाब से कोई और दिक्कत तो आपको नहीं रही होगी, यदि है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और छोटे बड़े में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत सबके होता है, बट बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया प्राइवेट पार्ट की। और जब भी मेडिकल होता है तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपका टीथ का पॉइंट हो, टीथ पेयर के अंदर आपके चेक होते हैं, आप यदि घबरा जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। ओके, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं अंडर वेट वाले हैं वो तो थोड़ा वेट बढ़ा लें, बट ओवर वेट हैं, ओवर वेट वाले कैंडिडेट्स अभी भी अपना वेट घटा लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, मेरा यही कहना है। ओके, तो और भी कोई दिक्कत है, कलर विजन का पॉइंट होता है तो वो क्लियर नहीं हो सकता किसी का भी। ठीक है, अलग अलग जो सेंटर है अलग अलग हो सकता है, किसी पे डिजिटल मशीन के द्वारा चेक होता हो, कहीं पर आपका अलग तरीके से चेक होता हो, लेकिन ज़्यादातर बुक के माध्यम से चेक होता है। ठीक है, वो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, सभी वीडियो के जो लिंक है वो आई बटन में मिले हुए हैं, वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप। ओके, और दोस्तों विजन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको देखिएगा हाइट वेट का मैंने बता दिया, विजन की बात करते हैं तो यहाँ पे लेज़र करवा सकते हैं, बट आपको 2 महीने कम से कम रेस्ट करना होगा यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और लेज़र करवाना ही चाहते हैं यदि आपकी आई विजन बहुत ज़्यादा है तो। ओके, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह सब मैंने आपको बता दिए हैं, और आपका कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, कोई भी जो दिक्कत होती है ना उसके अंदर आपको शर्माने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या कि सब कुछ इस पार्ट को चेक किया जाता है, तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहता हूं कि आपको मतलब जो भी आपका दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शर्माने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और आपको दोस्तों लॉकडाउन के मैंने आपको अंदर बता दिया है, डेली प्रैक्टिस करना है आपको, पुशअप करना है और आपको और अदर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका स्टेमिना बना रहे और आपका रनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लास्ट में यही कहना चाहूँगा। और आपका दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ, आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे आगे कि हमारी ये पॉइंट था। अब देखिएगा नॉर्मल जो पॉइंट होते हैं ना वो अपन को पता ही होता है, जैसे अब हैंड बैंड हो गया, हैंड बैंड का मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपका हैंड बैंड चेक होता है। ओके, और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका नोकनी कैसे चेक होता है और किस प्रकार से दूर कर सकते हैं नोकनी को, नोकनी आराम से दूर हो सकता है दोस्तों। फ्लैट फुट कैसे चेक होता है ये भी आपको बताया हुआ है, और इसका भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, और हाथों में पसीने वाला का मैंने बता दिया, और अगर कोई आपको भी डाउट हो ना मेडिकल से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। और बॉडी के ऊपर क्या है कि आपके यदि स्थान वगैरह है जैसे जो आपके व्हाइट स्पॉट बोल सकते हैं, तो यदि पूरी बॉडी पे तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट यदि आपका थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा। ओके, तो दोस्तों वैसे कोई आपका डेट फिक्स नहीं है फिजिकल और मेडिकल के लिए, कोरोना वायरस का संकट क्या रहता है कब तक रहता है वो इंडियन नेवी के मतलब पूरे भारत के अंदर स्थिति सामान्य होने के बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा ईमेल के बाद में, ईमेल आईडी के माध्यम से आपका जो ईमेल दिया गया है उसके माध्यम से, और आपका यहाँ पर लिखा गया है व्हाट्स न्यू के अंदर, यहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपका हो सकता है अपने जो निर्धारित समय से उससे लेट हो सकती है, बट उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपकी एज है वो बढ़ा दी जाएगी, आपको चांस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो जो भी आपके डाउट थे वो शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, और कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल के लिए आपको करेक्ट करना है फिजिकल और मेडिकल, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, ये बात हो सकती है किसी भी कैंडिडेट्स को अच्छा ना, बट मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ लास्ट में कि ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि आपको फिजिकल और आपको मेडिकल के लिए तैयार रहना चाहिए हर टाइम के लिए। ओके, तो आपको फिजिकल डेली करना है और आपको वीडियो मिल जाएंगे, और किसी भी प्रकार का और भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप बता सकते हैं। ओके, जो हमारी योगी होने हेल्प है वो आपको पूरी तरीके से की जाएगी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके मेडिकल और फिजिकल के लिए, मैंने आपको वैसे बता दिया सब कुछ प्रोसीजर, और यहाँ पे देखिएगा विजुअल स्टैंडर्ड आपका लिखा गया है, सेलर इंट्री के लिए 6x12, 6x9, 6x36 और 6x60 वो आपका अलग अलग लिखा गया है देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें डबल ए एंट्री के लिए, आप देख सकते हैं विदाउट ग्लास 6x6 और विद ग्लास 6x9 आपकी आंख होनी चाहिए। ओके, 6x12 भी चल सकती है, मैंने आपको वो बता दिया। अब एसएसआर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6x6 विदाउट ग्लास और विद ग्लास 6x9। ओके, ये लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं वैसे सेम ही है दोनों तीनों में, आपका MR का हो या डबल ए का हो या SSR का हो, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पे MR की 3 एंट्री होती है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपका 6x9 ही मांगा गया है। ओके, तो और आपका
विदाउट कलर 6x6। और आपका एक म्यूजिशियन की वैकेंसी भी आती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका क्या लिखा गया कि 6x60 भी चल सकता है, क्योंकि म्यूजिशियन का काम होता है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर वाला काम नहीं होता, तो इसके लिए अलग से थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है। 6x60 तक भी चल जाता है, 6x24 दोस्तों। भी लिखा उसके गया। बाद में आता है आपका टैटू पॉलिसी। तो उसके अंदर क्या है कि आपका जहाँ पर भी टैटू है बॉडी के ऊपर, तो वो आपका ड्रेस पहनने के बाद में बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी हाथ की कलाई से बाहर नहीं होना चाहिए और नेक से बाहर नहीं होना चाहिए और पैर का जो पार्ट है उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए। ओके, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, ये रूल होता है इंडियन नेवी का। और उसके बाद में दोस्तों बात करता हूँ, ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपका बिल्कुल अच्छा लगा है और आपकी बहुत सारी जानकारी है वो आपकी क्लियर हो पाई होंगी, यानी आपका जो डाउट वो क्लियर हो गए होंगे शायद। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर फॉलो कर लीजिएगा और आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप जुड़ जाइए ताकि कोई भी नया अपडेट आता है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आपको वहां पे जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों उम्मीद करूंगा ये जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में ऑल वाले बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो। ओके, और किसी भी प्रकार की और भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी तरीके का फिजिकल, मेडिकल, आपका एग्जामिनेशन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप हमें विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर एज लिमिट क्या रहेगा और क्या सीन होने वाला है, मेडिकल में क्या क्या प्रोसीजर चेक होती है वैसे मैंने बता दिया, और भी पूरी डिटेल उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम क्या प्रोसीजर होती है, हमारे चैनल पर सारे वीडियोज़ पहले से अपलोड है तो वो आप जाकर चेक कर सकती है। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, आप एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको जैसा भी लगा होगा। ओके, अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक।